भारत में प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से चुनाव आयोग एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत भारत के इलेक्शन कमीशन को सांसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल की शक्ति प्रदान है। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी दैट इज कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर, इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द कमीशन डज नॉट डील विद द इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स इन द स्टेट्स। इसीलिए भारत के संविधान द्वारा एक अलग राज्य चुनाव आयोग प्रदान किया गया है, विच इज नोन एज स्टेट इलेक्शन कमीशन। चलिए इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 1950 में अपनी स्थापना के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक वन मेंबर बॉडी था और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका एकमात्र सदस्य था। बट इन 1989 द वोटिंग एज वाज चेंज्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स, सो टू मोर इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू कोप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन। लेटर ऑन जनवरी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर्स के दो पद समाप्त कर दिए गए। अगेन लेटर इन 1993 व्हेन द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड टू मोर इलेक्शन कमिश्नर्स, सिंस देन द इलेक्शन कमीशन फंक्शंस एज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ थ्री कमिश्नर्स। यह पद उनके द्वारा 6 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए या 65 इयर्स की एज तक जो भी पहले हो तब तक धारण किया जाता है। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी भी समय हटाया भी जा सकता है या इस्तीफा भी दिया जा सकता है। सभी आयुक्तों का कार्यकाल और कंडीशंस ऑफ सर्विस राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आइए जानते हैं चुनाव आयोग की कम्पोजिशन क्या है। राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करते हैं। When any other EC is so appointed, the CEC acts as the election commission's chairman. यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से परामर्श के बाद आयोग की सहायता के लिए रीजनल कमिश्नर्स की नियुक्ति भी कर सकते हैं। Recently, the appointment of the members has been in news. Let's discuss about the recent Supreme Court ruling and about the bill introduced in Rajya Sabha. The issue began जब अनूप बारनवाल ने इस आधार पर एक PIL दायर की कि सदस्यों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। करंटली एग्जीक्यूटिव को नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त है, जिसने समय के साथ EIC की स्वतंत्रता को कम कर दिया है। The PIL pleaded for the court to issue directions to set up an independent collegium-like system for ECI appointments. It claims that the current system of appointment violates Article 324, Clause 2 of the Constitution. The PIL further pleaded that Article 324 संसद से एक relevant कानून को draft करने की अपेक्षा रखता है। उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। ऐसे किसी कानून के अभाव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियां करते रहते हैं। The 5-judge bench on March 2, 2023 unanimously ruled against the current appointment process, holding it violative of the right to equality and free and fair elections. The apex court held that मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाएगी, which shall comprise of the Prime Minister of India, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India. The court also clarified that in case of absence of Leader of Opposition, the Leader of the largest party in the Opposition in the Lok Sabha shall be the member of such committee. शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था को तब तक जारी रखने का निर्देश दिया जब तक कि संसद रेलेवेंट कानून नहीं बना देती। रिसेंटली द राज्यसभा अप्रूव्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। लेट्स डाइव इनटू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द एक्ट सीज टू रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम ए पैनल टू सिलेक्ट द सीईसी एंड ईसीज और इन पदों पर विचार के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव करता है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे और इसमें सेक्रेटरी के पद के नीचे के 2 सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा। सिलेक्शन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी वैकेंसी या डिफेक्ट के कारण सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। द एक्ट फर्दर प्रोवाइड्स दैट सीईसी और अन्य ईसी की सैलरी, अलाउंस एंड सर्विस ऑफ कंडीशंस कैबिनेट सेक्रेटरी के समान होंगे। चलिए जानते हैं इस एक्ट में कंसर्न्स क्या हैं। प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री 3 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं। विपक्ष के नेता के पास प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही माइनॉरिटी वोट रह जाता है।
दिस रेजेस क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कमिटी। और क्या चयन प्रक्रिया वास्तव में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है या कार्यपालिका के पक्ष में झुकी रहती है? और प्रस्तावित परिवर्तनों का ECI की ऑटोनॉमी एंड फंक्शनिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। क्रिटिक्स ऑफ द एक्ट इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या चयन समिति की नई संरचना चुनाव के लिए जिम्मेदार एक निष्पक्ष और स्वतंत्र बॉडी बनाने के लिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य के अनुरूप है। इस पर आपके क्या विचार हैं? डू लेट अस नो एंड सब्सक्राइब टू ALEC फॉर जुडिशियरी फॉर मोर सच वीडियोस।